जासूसी के आरोप में दिल्ली में एक गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी इंटेलिजेंस की निगरानी में पकड़ में आरोपी आया है। दिल्ली की संजय कॉलोनी निवासी भागचंद को पकड़ा है। पाक हैंडलिंग अफसरों के इशारे पर यह जासूसी कर रहा था। आरोपी भागचंद का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 22 साल पहले वीजा लेकर दिल्ली आकर रहने लगा था। आरोपी भागचंद के रिश्तेदार परिजन पाकिस्तान में ही रहते हैं। 3 से 4 साल से पाक हैंडलिंग अफसरों के संपर्क में था भागचंद। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ आपको इस पूरे मामले पर अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल पलक, मैं आपको बता दूं कि अभी 14 अगस्त को यहां इंटेलिजेंस ने राजस्थान के भीलवाड़ा में बेमाली निवासी नारायण लाल गाडरी को जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से संपर्क में रहने के कारण और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जब इसके संपर्कों को तलाशा गया तो पता चला कि ये दिल्ली निवासी भागचंद है, वो इनके संपर्क में था और लगातार सहायता कर रहा था। और इसका भी जब जांच हुई, खुलासा हुआ, तो पता चला कि ये भागचंद पाकिस्तान मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला था और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 22 साल की उम्र में परिवार सहित वीजा लेकर 1998 में दिल्ली आकर रहने लगा था और 2016 में भारत की नागरिकता इसने प्राप्त कर ली थी। और उसके बाद दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। और भागचंद के रिश्तेदार जो है वो अन्य परिजन पाकिस्तान में रहते हैं। इनके माध्यम से जो भागचंद 3-4 सालों से पाकिस्तानी हैंडलिंग अफसर के संपर्क में था और भागचंद द्वारा जो नारायण लाल गाडरी के जो सिम कार्ड है और इनको जारी करवा दिया था और उसके बाद स्वयं को उसके द्वारा दिल्ली मंगा लेता था और उन्हें दिल्ली कश्मीरी गेट पर ये सारी चीजें सूचना एकत्रित करके और पाकिस्तानी हैंडलिंग अफसर को भिजवा देता था। इसके बदले में उसे एक जो भी होता था कार्यक्रम उसके लिए 600 रुपए से लेकर कई 1000 रुपए तक इसको मिलते थे। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सीआईडी इंटेलिजेंस के। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ